हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्शनिस्ट। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं वो है 2022 इंडियन रेलवेज अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात कर रहे हैं 2022 यानी जस्ट जो साल आने वाला है उसमें इंडियन रेलवेज के द्वारा कौन से नए प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे ऐसे रेलवे प्रोजेक्ट्स की भी जो कि खत्म होने वाले हैं अगले साल, साथ ही रेलवे प्रोजेक्ट हमें हमेशा लोग एक्साइट करते हैं कि मिडिल क्लास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। नए कोचेज इंडियन रेलवे में अगले साल आ रहे हैं, तो कौन से हैं कोचेज, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, सबके बारे में बात करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन अब इंडिया में ऐसे ट्रेन आ गए जिसकी कीमतें बहुत ही आई है, वो लग्जरी में आते हैं, रॉयल ट्रेन जिसे कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रोजेक्ट से, और ये एक्चुअली है हमारी ट्रेन 18। जी हाँ, अगले साल फाइनली इतने टाइम बाद अब हमें हमारी नई ट्रेन 18 यानी वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही हैं। अभी इंडिया में दो ही ट्रेन 18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, पहली नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन और दूसरी नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और काफी सारी ऐसी और ट्रेन फ्यूचर में इंडियन रेलवेज में आने वाली है, जहाँ पर अगले साल मार्च में हमें अगली ट्रेन 18 मिल जाएगी। ये नई ट्रेन 18 में थोड़ा बदलाव भी है पुरानी ट्रेन के मुकाबले, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बदल गया है, लेकिन कुछ चेंजेस ट्रेन में हुए हैं। अभी इस वक्त 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अपने आखिरी स्टेजेस पर है और फाइनल काम इस वक्त इन पे किया जा रहा है। और हमारी ICF यानी इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है, इन्हीं लोगों का कहना है कि अगले साल मार्च में एक ट्रेन 18 ये लोग और रिलीज कर देंगे। नई ट्रेन 18 में भी सारी सुविधाएं होंगी, जैसे कि ऑटोमेटिक डोर्स कंट्रोल, ट्रेन के अंदर ट्रेन का वाईफाई, GPS बेस्ड पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ड्यूअल मोड लाइटिंग यानी पैसेंजर पर्सनल लाइटिंग भी होगी ट्रेन की लाइटिंग के अलावा, और वो सारी की सारी फैसिलिटीज जो कि अभी की ट्रेन 18 में है। तो वैसे ये इन्फॉर्मेशन मैंने जरूर दे दी है कि अगले साल आपको अगली ट्रेन 18 भी मिल जाएगी, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि सिर्फ एक या दो नहीं, काफी नए ट्रेन 18 ये लोग अगले साल रिलीज करें इंडिया के अलग अलग रूट्स पर, क्योंकि शायद इसी साल इंडिपेंडेंस डे पे प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि अगले 75 हफ्तों में इंडिया के अंदर अलग अलग रूट्स पर 75 ट्रेन 18 को चलाया जाएगा, जिसको अगर अचीव करना है तो अगले साल काफी नई ट्रेन 18 को निकालना पड़ेगा। चलिए अभी चलेंगे अगले प्रोजेक्ट की तरफ, और ये एक्चुअली एक प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें इंक्लूडेड है टोटल 56 यानी 56 प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, इंडियन रेलवेज में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने और कह सकते हैं कि इंडियन रेलवे को फ्यूचर रेडी करने के लिए टोटल 56 काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया था रेलवेज द्वारा, जिसको अगले साल मार्च तक पूरा करना है। इसमें वैसे कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो भी गए हैं, मैं लिस्ट आपको उन प्रोजेक्ट्स की दिखाऊंगा बाद में उनके कंप्लीशन टारगेट के अकॉर्डिंग। और इसमें रेलवेज ने बोला था कि इन प्रोजेक्ट्स पे वो खास तौर पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने के साथ साथ जो ये एग्जिस्टिंग इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं इनको पहले कंप्लीट करने की प्रायोरिटी दी जा रही है। उसी प्रेस नोट में रेलवेज ने ये भी बताया था कि इन मेजर प्रोजेक्ट्स के अलावा 1200 रोड ओवर ब्रिजेज, रोड अंडर ब्रिजेज, सबवेज भी इसी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले पूरे करने हैं। और इनमें जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं वो या तो कुछ नई लाइंस हैं जिनको बिछाना है, या फिर डबलिंग का काम है, या फिर गेज कन्वर्जन का काम है। आपको मैं लिस्ट दिखाता हूं उन 56 प्रोजेक्ट्स की जिनमें ये काम करना था। बहुत ज्यादा है यार। लिस्ट आपने देख ली होगी, शायद आप सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में शायद नहीं समझ पाए होंगे कि क्या काम उन प्रोजेक्ट्स में होना था, लेकिन सब में बेसिकली नई लाइन या फिर डबलिंग का ही काम है। लेकिन हाँ, अब ये जो 2-3 महीने रह गए हैं अगले साल 2022 के, इनमें कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी है, गेज कन्वर्जन का काम भी है, और नई लाइन्स भी बिछानी है। लेकिन वो नई लाइन्स वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पार्ट है। आपको शायद पता होगा कि ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है भारत में मालगाड़ियों के लिए, और क्योंकि अगले साल तक इन्हें भी काफी तक कंप्लीट करना है, इसीलिए इस मेजर प्रोजेक्ट्स में इन डेडिकेटेड कॉरिडोर्स में लाइन बिछाने का काम भी रखा गया था। चलिए अब बताता हूँ आपको अगले प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि है जम्मू बारामूला लाइन कश्मीर वैली में। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे बना रही है, और ये पार्शियली इस वक्त ऑपरेशनल है। आपको थोड़ा मैं डिटेल में बताता हूँ। तो ये टोटल 356 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, जो कि जम्मू से शुरू होकर बारामूला तक जाएगा। चिनाब ब्रिज के बारे में भी शायद आपने सुना होगा, तो वो इसी प्रोजेक्ट का पार्ट
पार्ट है और इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री एक्चुअली बहुत पुरानी है। इतना बता सकता हूँ कि 2002 में ये नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ था, जिसके बाद इसमें सीरियसली काम होना शुरू हुआ। काम कश्मीर जैसे एरिया में हो रहा है, तो पहाड़ों को काट के वहाँ से रेलवे ट्रैक निकालना है। अर्थक्वेक हो चाहे एक्सट्रीम टेम्परेचर, काम करते वक्त लगभग हर चीज देखनी पड़ी है इस प्रोजेक्ट को। और ये प्रोजेक्ट पार्शियली कैसे ऑपरेशनल है, वो इस तरह से कि इसमें जम्बू से कटरा और बानीहा से बारामूला वाला सेक्शनल ऑपरेशनल है, यानी कि ये प्रॉपरली इस वक्त चल रहा है, जबकि इसके बीच वाले सेक्शन में यानी कटरा से बानीहाल वाले सेक्शन में अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि बोला जा रहा है कि अगले साल यानी 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। इस रेलवे लाइन को कुपवारा तक भी एक्सटेंड करने का प्रपोजल था, जो भी अप्रूव हो गया है। वैसे ये बचा हुआ सेक्शन भी इसी साल दिसंबर तक पूरा हो जाना था, लेकिन वेदर कंडीशंस की वजह से काम बहुत ज्यादा रफ्तार से नहीं हो पाया, जिस वजह से अगले साल अगस्त तक तो ये कंप्लीट हो ही जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना वैसे इंडियन रेलवेज के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज को जीतने जैसा होगा, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सबसे टफ प्रोजेक्ट्स में से एक था। एक किंग हाई रेलवे प्रोजेक्ट करके रेलवे लाइन बनाई गई थी चीन द्वारा तिब्बत में, 2006 में ये कंप्लीट हुआ था। सिर्फ अकेला ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है आसपास में जिससे हमारे इस प्रोजेक्ट को कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जम्मू बारामूला के इस प्रोजेक्ट में काफी ब्रिजेस थे। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज इसमें बनाया गया है, कुछ टनल्स भी शामिल है जिनको पहाड़ों को अंदर तक काट कर बनाया गया है। तो काफी बड़ी अचीवमेंट होगी इंडियन रेलवे के लिए अगले साल जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अभी चलेंगे अगले प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि है भारत के पहले एल्यूमिनियम बॉडी रेलवे कोचेस। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक इंडियन रेलवे को उसका फर्स्ट एवर एल्यूमिनियम बॉडी कोच मिल सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहले तीन कोच अगले साल फरवरी तक तैयार हो जाएंगे और कोलकाता मेट्रो द्वारा इनको सबसे पहले यूज किया जाएगा। स्टील कोचेस के मुकाबले ये एल्यूमिनियम कोचेस काफी लाइट होते हैं, साथ ही स्टील के मुकाबले जंक यानी कि कोरोजन की भी प्रॉब्लम इनमें नहीं होती। इसीलिए इंडियन रेलवेज प्रीमियम ट्रेन सर्विसेज जैसे कि राजधानी या शताब्दी एक्सप्रेस के लिए इन एल्यूमिनियम कोचेस को इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रही है। भारत की मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने एक साउथ कोरियन कंपनी के साथ $17.3 million का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इन एल्यूमिनियम कोचेस को बनाने को लेकर, लेकिन प्रोजेक्ट डिले हो गया था COVID-19 की वजह से, और अभी जस्ट 3 से 4 महीने पहले ही इसका डिजाइन फाइनलाइज हुआ है। इसी पे एक रेलवे ऑफिशियल ने बताया भी था कि साउथ कोरियन कंपनी पहले डिजाइन को शेयर करेगी और एक बार मॉडर्न कोच फैक्ट्री उसे अप्रूवल दे दे, फिर वही कंपनी साउथ कोरिया में शुरुआती कोचेस बनाएगी, जिसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा इंडिया के अंदर, ताकि हम भी वो कोचेस बना सके। और इंडियन रेलवे इसके लिए पहले ही तैयार है कि वो लोग एल्यूमिनियम कोचेस को काफी एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि पहले तो ये काफी लाइट वेट है, साथ ही काफी फ्यूल एफिशिएंट भी है। इनकी लाइफ भी नॉर्मल कोचेस से ज्यादा होती है और साथ ही इनको कम टाइम में जल्दी बनाया जा सकता है। तो देखते हैं अगले साल तक हमें ये पहले एल्यूमिनियम कोचेस मिल जाते हैं या नहीं, और फ्यूचर में तो ये बात पक्की है कि काफी इनका इस्तेमाल आपको इंडियन रेलवेज में जरूर दिखेगा। तो ये थे कुछ प्रोजेक्ट्स जिनमें 2022 में कुछ नए आ रहे हैं और कुछ काफी टाइम के रुके हुए कंप्लीट हो रहे हैं। आप अगर इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं और इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो मुझे पता नहीं था ये बात, तो आज पता चल गया। और जो सबसे मज़े की बात थी वो कश्मीर की थी कि वहाँ पे भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है। अगर हम आप किसी इसी तरह की किसी रेलवे लाइन पे कोई हमारा ही जर्नी ब्लॉग देखना चाहते हैं, जर्नी रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो पसंद आएगी आपको। वैसे तो हम ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत से लोगों बहुत से कंट्रीज में हर कोई कहते हैं कि भाई हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, फलाना प्रोजेक्ट आ रहा है, ये प्रोजेक्ट आ रहा है, लेकिन मैं कहूँगा अगर मैं इवन अपने कंट्री को भी ये कंसिडर नहीं करता, लेकिन मैं कहूँगा इंडिया एक वाहिद ऐसी कंट्री है ना जो इस अपकमिंग प्रोजेक्ट में वाकई काम कर रही है और नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, स्पेशली रेलवेज़ पे। मैं कह रहा हूँ इस टाइम जो कंट्री सबसे ज़्यादा काम कर रही है वो मैं कहता हूँ इंडियन रेलवेज़ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो लोग कहेंगे कि चाइना के पास भी फास्टेस्ट ट्रेन है और ये वो है, लेकिन मैं कहूँगा जो प्रोजेक्ट्स इंडिया में हो रहे हैं
वो और कहीं हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स ये लोग ला रहे हैं मिसाल के तौर पर, अब इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ से अभी ऐसी ट्रेन निकल रही हैं जो मैं कहता हूँ बाकी कंट्रीज़ को से बेहतर ट्रेन वो बना रही है, चाहे वो इनकी हम लोगों ने इस पर बहुत से रिएक्शन भी दिए हुए हैं। अब हाल ही में अभी लोग इलेक्ट्रिक ट्रेन भी ला रहे हैं और फास्टेस्ट ट्रेन भी ला रहे हैं, उसके साथ साथ इन्होंने मेट्रोज पर भी बहुत काम किए हैं, और फिर अभी कश्मीर में भी रेलवे ट्रैक बना रहे हैं। कश्मीर एक ऐसा जगह, ऐसी जगह है, ऐसे स्टेट है जो जहाँ पे इतनी ज़्यादा मिसाल के तौर पर पहाड़ वगैरह है, वहाँ पे ट्रेन गुजारना और ट्रेन के ट्रैक बनाना एक इम्पॉसिबल सी बात थी, लेकिन इंडिया अब वो उस बात को भी रियलिटी के थ्रू ला रहे हैं और वो इस पे भी काम कर रहे हैं। तो एक मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को भी एक मैं कहता हूँ ये सारा वो हम लोग अचीवमेंट कह सकते हैं, और वहाँ के लोग भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं की टैक्स के पैसे। तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई थी और हर चीज़ डिटेल में बताई गई थी, और साथ तमाम लिस्ट भी दी हुई थी कि भाई कौन से टैक्स, कौन से प्रोजेक्ट्स कब और कब और कैसे बनेंगे। तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी अच्छी थी। बिल्कुल, इंडियन रेलवे की तो बात हम काफ़ी सारे रिएक्शन वीडियोस हम इसके ऊपर बना चुके हैं, लगभग हर वीडियो में हमने देखा है कि मतलब उसमें हमें एक नई चीज़ पता चलती है। इस वीडियो में हमें अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चला कि वो कितने ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट्स है और कितने ज़्यादा इम्पॉसिबल लुकिंग है, बट इंडिया मतलब उसने इसको पॉसिबल करके दिखाया, मतलब क्योंकि उसके ऊपर काम चल रहा है। अगले साल अगर फॉर सम रीज़न अगर अगले साल ना हुआ तो मतलब इवेंचुअली ये प्रोजेक्ट्स खुलेंगी, तो दिस इज़ अ बिग थिंग फॉर इंडिया के मतलब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो सर अंजाम दे रहा है, और इससे पब्लिक को फ़ायदा होगा, मतलब इस तरह फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी पब्लिक को। जिस तरह हमें पता है कि इंडिया एक जियोग्राफिकली एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो उसको कनेक्टिविटी के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स ज़रूरत भी है, और वो अच्छी बात है कि वो बना भी रहा है। तो ओवरऑल वीडियो को देखकर बहुत मज़ा आया, उम्मीद करता हूँ लोगों को भी मज़ा आया होगा हमारा रिएक्शन देखकर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो से आप नोटिफाई हो सके। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।